हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले आप इजी, बहुत इजी तरीका है, सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे। सर्च वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है टच एंड होल्ड। ये आ गया फ्रेंड्स, टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। तो हम यहाँ पर राइट साइड से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम राइट साइड से क्लिक कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं और टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट, यानी कि हम टच करके रखेंगे थ्री फिंगर से और होल्ड करके रखेंगे, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले पाएंगे। ये देखिए, जो कि आपको जितने साइज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि मुझे इतने साइज़ का स्क्रीनशॉट लेना है और मैंने ये ले लिया है। और यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं राइट वाले ऑप्शन पर ये आपका जो है सेव हो जाएगा स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है फैंस वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।